मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सिंधिया गुट की पूर्व मंत्री इमरती देवी ने कहा कि मंत्रिमंडल का विस्तार तय है और उसमें सिंधिया समर्थक पूर्व मंत्रियों को जगह दी जाएगी। इमरती देवी ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि हमें जितनी जल्दी मंत्री बनने की नहीं है उससे ज्यादा कांग्रेसियों को हो रही है। पूर्व मंत्री इमरती देवी ने कहा कि सिंधिया समर्थक जो भी पूर्व मंत्री रहे हैं वे सभी शिवराज सरकार में मंत्री बनेंगे। इमरती देवी ने कहा कि देश को पहले कोरोना से लड़ना है, जान है तो जहान है। इमरती देवी ने ये भी कहा कि अब तक जो ज्योतिरादित्य सिंधिया भी केंद्र में मंत्री बन जाते लेकिन कोरोना के चलते मुमकिन नहीं हो पाया। इमरती ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि हमें भले ही मंत्री बनने की चिंता ना हो लेकिन कांग्रेसी जरूर परेशान घूम रहे हैं। ये बात कौन कर रहा, ये बात कांग्रेस के लोग कर रहे, उन्हें पता नहीं क्या जल्दी पड़ी। जब हमें जल्दी नहीं है तो उन्हें क्या की जल्दी है, बीमारी है, महामारी है, जान है तो जहान है। इतनी जल्दी उन्हें क्यों भड़बड़ाहट है, बना लेंगे सरकार, बन जाएंगे सब मंत्री। नहीं सिंधिया जी कितनी देर में बनेंगे ये चर्चा? नहीं जल्दी बन जाएंगे, हम बता रहे हैं ना आपको, अगर कोरोना नहीं फैलता तो वो तो जब ही बन जाते, जब फार्म डरे 10 दिन बाद ही बन जाते, लेकिन कम से कम जीवन तो देखें लोगों को, इतनी जल्दी क्या है। अपनी सरकार का विस्तार कर रहे होंगे तो इसलिए राज्यपाल के पास गए होंगे, जल्दी से जल्दी सरकार का विस्तार होने वाला है। गौरतलब है कि एक हफ्ते पहले ही सिंधिया समर्थक इमरती देवी भोपाल गई थी जहां उन्होंने सीएम शिवराज सिंह चौहान और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात कर मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बातचीत की थी। इमरती देवी का बयान कांग्रेस पर पलटवार माना जा रहा है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।